नमस्कार दोस्तों, तो गार्डनिंग विद अज्जू में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमने नर्सरी में कौन कौन से फर्टिलाइज़र ख़रीदे और इनका क्या क्या प्राइस है। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे जो हमने ख़रीदा है वो है सरसों की खली। इसका इस्तेमाल हम लिक्विड फर्टिलाइज़र में करते हैं। ये 60 रुपये किलो हमें मिली है, एक पैकेट 60 रुपये का। ये बहुत ही अच्छा होता है, इसके फर्टिलाइज़र से आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है ये नीम कली। वैसे तो हमारे इधर मिलती नहीं है, ये मुझे 60 रुपये पर पैकेट मिला है। इसका इस्तेमाल हम सॉइल में करेंगे, जब हम अपनी प्लांट रिपोर्ट करेंगे तो उसमें डालेंगे ताकि सॉइल में कोई फंगस ना लगे। तीसरी चीज़ है ये है यूरिया। यूरिया मुझे 50 रुपये का पर पैकेट मिला, 1 किलो। इस यूरिया का इस्तेमाल हम खाद बनाने के लिए यूज़ करेंगे या DAP की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ है ये है पीट मॉश। हाँ, पीट मॉश ये सीड ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसको, मेरे को हमारे यहाँ मिलती नहीं इसलिए मैं पहले ही मिल गई थी तो मैंने ले लिया इसको पीट मॉश। ये मुझे 60 रुपये किलो मिली है। दूसरी जो अब देख रहे हैं ये है बोन मील है, ये मुझे 150 रुपये के दो एक पैकेट मिला है, करीब 2 किलो के आसपास का है, 150 का है। इसका इस्तेमाल हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इसमें ये सब होता है। इसका इस्तेमाल हम प्लांट की रिपोर्टिंग में करेंगे ताकि फ्लावर फ्रूट्स बहुत अच्छे से आए। अगली जो चीज़ हम बात करने वाले हैं सुजू एक्स्ट्रा के बारे में, ये एक ओमिक एसिड है। इसका इस्तेमाल हम अपने फ्रूटिंग प्लांट में करेंगे क्योंकि उसके फ्लावर झड़ जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ये 1 ml पर लीटर में यूज़ करना है। इसको आप डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। सुजू एक्स्ट्रा जी मुझे करीब 100 रुपये का पड़ा है। नर्सरी वाले भैया से मैंने फ्लानोफिक्स मांगा था, उन्होंने बोला उसकी जगह ये ले लीजिए, ये उससे भी अच्छा है, तो इस बार हम इसको ट्राई करेंगे। अगला जो प्रोडक्ट है वो है रोज़ किंग। ये रोज़ किंग मैंने नर्सरी से बाई करा है, ये मैं अपने गुलाब में ऐड करूँगा। ये अब गुलाब की सॉइल के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये रेडी टू यूज़ फर्टिलाइज़र है, इसमें हर प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी रोज़ प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं। ये एक इजी टू यूज़ फर्टिलाइज़र एंड बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर रोज़ प्लांट। आखिर में जो ये है कोकोबीट का ब्रेक 5 kg का है। ये करीब मुझे 190 रुपये का पड़ा है, 190 रुपये का 5 kg का कोकोपीट का ब्रेक। ये इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो कम से कम ये 20 से 25 किलो का हो जाएगा। सॉइल की जगह इस बार हम कोकोपीट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।